हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मैनेजर क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं जीरो ईयर घोषित नहीं होगा, 17-18वीं तक की परीक्षाएं भी नहीं होगी, तो क्या जानकारी निकल के आ रही है आज की न्यूज़पेपर में, तो चलिए पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जानकारी आज शुरू करते हैं। यह सत्र जीरो ईयर यानी शून्य वर्ष घोषित नहीं किया जाएगा। जो पहली से लेकर आठवीं तक के छात्र हैं उनको अब जीरो ईयर सत्र को घोषित नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक की जो कक्षा की सालाना परीक्षाएं होती थी वो भी अब नहीं ली जाएंगी। प्रोजेक्ट के आधार पर इन बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करके नया प्रवेश दिया जाएगा। मिडिल स्कूल भी खोले जा सकते हैं, इस पर कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं अभी तक। यह बात स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने एवं विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं रश्मि अरुण शर्मा ने मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों की बैठक में कही है। मंत्री ने मंत्रालय में स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई थी। इसमें सिर्फ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध जितने भी प्राइवेट स्कूल के संचालक थे उन्हें बुलाया गया था। संघों के प्रतिनिधियों को जो शाम 4 बजे से 1 घंटे तक लगभग यह बैठक चली। बैठक में साफ तरीके से जानकारी निकल के आ रही है कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी कक्षाओं के मामले में जो बातचीत हुई है उस पर कुछ संगठन और पालकों का साफ कहना है कि कोरोना के मद्देनजर रखते हुए इस सत्र को जीरो ईयर सत्र घोषित कर देना चाहिए, ताकि जो कक्षाओं में लोग पीछे हुए या तो छूट गए हैं उन्हें भी एक मौका दिया जाए। लेकिन इस पर अभी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा चुका है। इसमें साफ तरीके से जानकारी दी जा रही है कि पहली से जो 5वीं और 6ठी से लेकर 8वीं तक के 2 हिस्से होंगे। सभी संघों की मांग पर मंत्री बोले हैं कि मिडिल स्कूल को लेकर 1 हफ्ते में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को 1 हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए आसानी से बुलाया जा सकता है कक्षा के लिए। वहीं 10वीं और 12वीं की जो कंटिन्यू क्लासे हैं वो 14 दिसंबर से चालू कर दी जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शिक्षकों के बारे में। को सोचे सरकार यानी सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर्स ने कहा है कि डॉक्टर चटर्जी जी ने कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने भारत, तो उनकी मंशा तभी पूरी हो सकती है जब सरकारी जो स्कूल संचालकों को संवेदनशील तरीके से सरकार भी सहायता करे और प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के प्रति सरकार भी थोड़ा सा जवाबदेही बने और उस पर भी कुछ काम करे। वही प्राइवेट स्कूल के जो एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए नियमों को शिथिल करते हुए भी 12वीं तक की मान्यता जिस तरह से दी गई है उसी तरह से 6वीं से 8वीं या फिर 1 से पूरी 8वीं तक की मान्यताओं पर कुछ ढील देनी चाहिए, ताकि हम उस पर अपने नियम के आधार पर कुछ इस पर नया काम कर सके। इसके बारे में अभी मंत्री जी ने साफ तरीके से कहा कि इस पर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। अभी केवल इतनी जानकारी है आपसे कि प्रोजेक्ट के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश किया जाए और ये जो सत्र चल रहा है उसे जीरो ईयर घोषित ना किया जाए। 8वीं तक की जो परीक्षाएं हैं वो भी ना ली जाए और उन्हें प्रोजेक्ट के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। यही आज की विशेष जानकारी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एमपी बोर्ड की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।